वेलकम टू द ब्लॉग। आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। थैंक यू। कहाँ जा रही हैं हमको छोड़ के? हम सोच रहे थोड़ा सा घूम के आते हैं अकेले। अरे तेरी की। आजकल हम लोग ब्लॉग ज़्यादा फ्रिक्वेंटली नहीं बना रहे हैं क्योंकि हम लोग बहुत क्रेजी बिजी हो गए हैं इंडिया जाने के हिसाब से। प्लस हमें जाना है तो 1.5 महीने की छुट्टी मार रहा हूँ, 1 महीने की। तो कंपनी में इतना काम हो गया है कि ये करके जाओ वो करके जाओ। थैंक सो मच। एंड आज ब्लॉग बनाने जा रहे हैं हम लोग, जा रहे हैं समर समीर के लिए एक प्राइवेट स्कूल देखने। सो क्यों देखने जा रहे हैं, प्राइवेट स्कूल क्या है, कितनी फीस है, उसका ओपन हाउस है आज हम लोग देखने जा रहे हैं। एंड कंचन जा रही है हमें छोड़ के नेटवर्किंग इवेंट में। ये सब स्कूल के बच्चे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं रात में दौड़ने की। सच गुड यार, एक कैंप में आए हैं लगता है। हमारे घर के बगल में ही एक प्राइवेट स्कूल है वाल्थम में, जिसका नाम है आवर लेडी एकेडमी। वहाँ का ओपन हाउस है, इस पे आए हैं हम। आने के बाद हमने भी थोड़ा सा स्टडी किया कि कितना प्राइस है। सो एक बच्चे का चार्ज है $10,200 पर ईयर, आई थिंक, बट समर इंक्लूडेड नहीं है। और प्राइवेट स्कूल का वन ऑफ द वर्स्ट चीज़ होता है कहीं भी इंडिया में चाहे यहाँ भी। अच्छा, हम टॉप बच्चों को लेंगे, ठीक है, हम एक्सेप्ट करेंगे, हम रिव्यू करेंगे। जैसे हर जगह मार्कशीट देते हैं ना कि पिछला बच्चा कैसा परफॉर्म किया पिछले स्कूल में, यहाँ भी रिपोर्ट कार्ड चाहिए। तो फिर उनको लगेगा तो लेंगे, या नहीं लगेगा तो नहीं लेंगे, रिजेक्ट कर सकते हैं। ये प्राइवेट एजुकेशन का सबसे वर्स्ट चीज़ मुझे लगता है। यहाँ पे पब्लिक स्कूल में होता है कि जिस एरिया में आप रह रहे हो उस स्कूल में आपको बच्चा जाएगा, चाहे कुछ भी प्रॉब्लम हो, चाहे कितना भी। This is St. Joseph's Chapel. They go in here sometimes and they just look like what you do, and it's cute, like when my kids are old. As you can see, everything they do is all play-based. For Halloween, they did a lot of awesome stuff, like, well, the pumpkin, dissected a pumpkin, and he learned what dissect means. ये क्लास है प्रीके का, जो कि 3 से 4 साल के बच्चे रहेंगे उनका है। एंड सबका क्लास डिवाइडेड है, ये है एक एक चेयर करके सबका एक नाम है। 4 किड्स इन सारा सबका टॉय, जैसे श्री स्लीपिंग का सब कुछ है यहाँ पे। बाथरूम अंदर है। इनको बता रहे हैं कि ये स्मार्ट बोर्ड है, प्रोजेक्टर इससे कनेक्टेड है, सो ऑलमोस्ट इट वर्क लाइक आईपैड। हाँ, जितने स्टूडेंट हैं उन सबका नाम है यहाँ पे। हाँ, तो दिस इज द किंडरगार्टन, मींस इंटरिंग आफ्टर 5 इयर्स, राइट? 5 इयर्स ओल्ड। हमारा समर समीर का दोनों का मिला के हम लोगों को लग जाएगा 19,000, थोड़ा सा डिस्काउंट लेके $19,000 पर ईयर। आई थिंक स्टिल समर नहीं। और इस प्राइवेट स्कूल में एक और होता है, इसमें प्रॉपर दिया हुआ है, जैसे ना कि ये फेस्टिवल फी है, एक्टिविटी फी है, फील्ड ट्रिप है, हर चीज़ का पैसा जोड़ के प्राइवेट वाले लेते हैं। तो इसमें भी तो एडिशनल है, मान के चलो कि 3,000 दोनों का एडिशनल लग जाएगा, ठीक है, 3-4 हज़ार लग जाएगा दोनों का। एक चीज़ ये लोग बोल रहे हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमारा पब्लिक स्कूल और चार्टेड स्कूल से हमारा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। और यहाँ पे मुझे पता चला कि ये मैनिपुलेट करिए हुए हैं थोड़ा सा। ऐसे डाटा मैनिपुलेशन क्या होता है वो देखिए, ये प्लाट में दिखा रहे हैं ये लोग कि इधर वाला है जो इनका जो थोड़ा सा ऊँचा जो दिख रहा है डार्क ब्लू, वो है कि इनके स्कूल का परफॉर्मेंस है। और बाकी पब्लिक स्कूल, चार्टर्ड स्कूल, नॉन चार्टर्ड का ये परफॉर्मेंस है। बट किसी सेकेंड प्राइवेट स्कूल से लोग कंपेयर नहीं किए हैं। और दूसरी चीज़ इसमें समझ में नहीं आ रहा होगा, अगर प्लाट देखेंगे ना तो जो वाई एक्सिस का ये प्लाट है वो दिखा रहा है ये 200 से 250 के बीच में। तो वो जीरो से आप प्लाट करेंगे, तो ये चीज़ बहुत इनसिग्निफिकेंट दिखेगी। बट इसको एकदम छोटा दिखाएं तो अगर इस वाले सेक्शन में देखें, ग्रेड 4 में मैथमेटिक्स और का जो स्कोर है, एक पब्लिक स्कूल 240 है और इनका 246 है, ठीक है। तो 240 वर्सेस 246 कोई बड़ा नहीं है, बट स्टैटिकली सिग्निफिकेंट है, तो उसको ये लोग दिखा सकते हैं। तो ऊपर वाले प्लाट को ही जूम करके दिखाएं तो ऐसा लगता है कि इनका परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है।
और यहाँ भी ऐसे दिखाया है 200 से 280 है, तो ये यहाँ पे 260 से इतना दिखा रहा है, तो ये जो डिफरेंस है बहुत ज़्यादा नहीं कहेंगे और ये नेशनल एवरेज है। तो अब हम लोग को डिसाइड करना है कि नेशनल एवरेज का स्कूल डिस्ट्रिक्ट क्या होता है। बहुत थोड़ा सा टिपिकल है, थोड़ा समझाना चाह रहा हूँ कि नेशनल सपोज दैट एवरेज 5 or 6 है, तो उसके कंपेरिजन में सपोज दैट हम लोगों ने ऐसे स्कूल डिस्ट्रिक्ट में घर लिया जहाँ का रेटिंग 7 or 8 है जो कि अबव नेशनल एवरेज है, तो उसके कंपेरिजन में तो फिर ये कम हो गया ना। तो फिर हमको अगर सपोज दैट कि यहाँ पे 5 साल में हम बच्चों के ऊपर $20,000 देंगे तो 1 लाख हो गया। तो 1 लाख अगर हम इससे अच्छा कि अपार्टमेंट लेके अच्छे स्कूल डिस्ट्रिक्ट में रहें, अपना अपार्टमेंट का घर लेके, तो वो 1 लाख हमारा होगा और इनका कोई बहुत डिफरेंस परफॉर्मेंस नहीं होगा। अगर ये लोग यहाँ आते हैं तो इस क्लासरूम में रहेंगे और ये टेलीविज़न है पढ़ाने के लिए, है ना, रेगुलर टेलीविज़न है बस समथिंग कनेक्टेड टू आईपैड आई थिंक, इसको एज ए ब्लैक बोर्ड की तरह यूज करके पढ़ा सकते हैं। टीचर्स का है डेस्क, इधर बच्चों का सारा सामान रखा है एक एक करके, एंड जिस ग्रेड में है उसके हिसाब से डेकोरेशन है, नंबर है, सब लिखा हुआ। हम अभी स्टार्ट कर दिए हैं पढ़ाई करना। क्यों गए ये स्कूल कैसा लग रहा है? गुड। व्हाट इज दिस आर डिफरेंट काइंड ऑफ फार्मिंग व्हीकल, जैसे ट्रैक्टर है प्लोइंग कर रहा है, ये भी है सीडिंग कर रहा है, डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रैक्टर जो फार्म में यूज होता है। ये वेजिटेबल है ग्रो कराया गया है एंड यहाँ पे सीडिंग करके वाटर दे रहे हैं और दिस इज सो इट्स द रियल वेजिटेबल लेट्स से। एंट्री के बाद आई थिंक ये मिडिल स्कूल का है, अपर स्कूल क्लास 6 एंड मोर आर, ये क्लास 1 से लेके अबव का है। पहले हम लोग देख रहे थे ओनली प्री के का एंड किंडरगार्टन का, तो इधर भी काफ़ी फैसिलिटी है बट फीस भी पता चलेगा अभी। ये बहुत सोच समझ के वो करने वाली है, बाकी जैसे प्राइवेट स्कूल में डराते हैं लोगों को, आपके बच्चे के लिए ये है वो है, या कोई बच्चा एक चला गया है MIT में तो उसका एग्जांपल दे दे के ठोक रहे हैं कि आपका भी बच्चा MIT में जाएगा। तो एनीवे बट हम लोग अपने बच्चे को बेस्ट एजुकेशन देने के लिए सब लोग प्रयास करते हैं चारों तरफ से, प्राइवेट हो गवर्नमेंट हो, तो लोग जाते हैं बट आई कैन से कि आई डोंट नो स्टिल बहुत इम्प्रेसिव तो मुझे समझ में नहीं आया। और ऊपर से क्या है कि मोस्ट ऑफ द पब्लिक स्कूल में जो आफ्टर आवर डे केयर होता है, अगर स्कूल 3 बजे बंद हो रहा है 2:30 बजे बंद हो रहा है तो उसके बाद आप तो पिक नहीं कर सकते, ऑफिस में हैं तो 5 बजे तक 6 बजे तक रखने का चार्ज रहता है। तो यहाँ पे जो बच्चे प्रीके वाले हैं, प्रीके इन द सेंस जो 1 साल 2 साल से ये लोग रखना शुरू कर रहे हैं, ठीक है, 2 साल से 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल के, 5 साल के बाद वाले जो बच्चे हैं एक्चुअली स्कूलिंग में जा रहे हैं, किंडरगार्टन उसको नाम है। तो उससे पहले वाले जो भी बच्चे हैं आफ्टर आवर में रहेंगे तो उनके लिए नहीं फीस है 4:30 बजे तक, बट 6 बजे तक रहेंगे तो फीस है। बट समर समीर आगे किंडरगार्टन में तो इनका अगर हम लोग रखते हैं 6 बजे तक, क्योंकि 4:30 बजे पिक करना मुश्किल है, 4:30 का मतलब आपको कंपनी से 4 या उससे पहले निकलना है, तो अगर 4:30 के बाद निकलते हो 5 बजे तो 5:30 बजे पिक करना है तो अनदर है, तो $600 पर बेबी एडिशनल लग जाएगा, ठीक है। तो अगर वो काउंट करते हो तो दोनों का मिला के 12,000 और जोड़ लो, नहीं 6,000, तो हमारा 20,000 में और 6,000 जोड़ लो तो 26,000 हो जाएगा। तो 5 साल में आप सीधे सीधे 1,25,000 आपका। क्लासरूम है, ये क्लासरूम किसका है लिखा नहीं है, आई थिंक बाहर होगा यहाँ पे, जस्ट कम हियर, Grade 3B, सो Grade 3 का Section B है। ये है Grade 1A, मीन्स Section A Grade 1 का, सब में कंप्यूटर स्मार्ट बोर्ड सब कुछ अच्छे से लगा है, एयर प्यूरीफायर फ्रिज वगैरह। और ये स्कूल का कैफेटेरिया है जहाँ पे आके बच्चे खा सकते हैं, बट मोस्टली बिगर बच्चों के लिए होता है, स्मॉलर बच्चे अपने ही क्लासरूम में खाते हैं सब। एंड ये किचन है यहाँ का, कुछ चीज़ों में इंक्लूडेड होता है ब्रेकफास्ट वगैरह, बट काफ़ी सारे में ख़रीदना भी पड़ता है,
ये बहुत नाइस किचन है, सब ऑटोमेटेड है, सब यहीं कुक के खिलाएंगे। हैं, ये किचन है, यहाँ पे कुकिंग होता है एंड द पीपल ईट हियर। यहाँ की लाइब्रेरी है सारे बच्चों के लिए, डिफरेंट बुक्स यहाँ पे, छोटे बच्चे बड़े बच्चों सबके लिए लाइब्रेरी है यहाँ की स्कूल की। सेकेंड फ्लोर पे आई थिंक ज़्यादा बिग किड्स का है, डिफरेंट आर्ट वगैरह बना है, कुछ फैकल्टी ऑफिस है इधर। एंड नाउ वी आर गोइंग इन टू द जिम। सो काफ़ी बड़ा जिम है सेकेंड फ्लोर पे, यहाँ पे रियल प्रैक्टिस चल रही है बच्चों की। इधर थिएटर का है परफॉर्मेंस वगैरह के लिए। सो हमारे हिसाब से ये अच्छा है, मैंने भी कई लोगों से वो किया हुआ है, बात किया हुआ है, जो यहाँ के बारे में ब्रॉट अप हैं, अच्छे स्कूल में पढ़े हैं, अच्छे पोजीशन पे हैं, डॉक्टर हैं, ऐसे हैं, इतना रियलाइज हुआ है कि अच्छे स्कूल डिस्ट्रिक्ट में लो, पब्लिक स्कूल में भेजो, देर इज़ नो नीड टू सेंड इन प्राइवेट स्कूल। अब प्राइवेट आपके पास थोड़ा सा पैसा अगर बचता है तो डेफिनेटली उसको आप एडिशनल एक्टिविटी में खर्च करो, स्विमिंग में, म्यूजिक में, हर एक चीज़ में। यहाँ पर सब कुछ क्लास थ्री के बाद है, बट अगेन उसका आपको चार्ज लगेगा और सबको हर दिन नहीं मिलेगा चांस। जैसे जिम क्या है, म्यूजिक का है, सबका है, तो एक दिन जिम जाएंगे बच्चे कुछ करने, तो एक दिन में कुछ सीख नहीं पाते हैं, तो इससे बेटर करो। कुछ प्राइवेट स्कूल बहुत अच्छे हैं, उनका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, बट देन अगेन उनकी फीस लाइक 50,000-60,000 पर ईयर है, सो मच मोर कॉस्टली। ये आई डोंट नो, स्टिल समझ में नहीं आ रहा, अच्छा से स्कूल डिस्ट्रिक्ट के कंपैरिजन में स्टिल कंफ्यूजन है कि कितना बेटर है। बड़े बच्चों का ऊपर का क्लास है, 6, 7, 8 सबका है, तो इधर सबका अपना अपना लॉकर होता है, सबका अपना अपना कोड होता है। एंड आई थिंक दिस ये सब क्लास ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड है, सारा कंप्यूटर से वो है, हर एक बच्चे को एक एक कंप्यूटर होगा ना, सबको एक एक कंप्यूटर मिलेगा यहाँ पढ़ने के लिए, पूरा हर चीज़ से वाईफाई हर चीज़ कनेक्टेड है, पूरा लैस सिस्टम। स्कूल में काफ़ी फैसिलिटी है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, बट ये प्राइवेट स्कूल है, पब्लिक स्कूल नहीं है, तो प्राइवेट स्कूल में आपको काफ़ी सारी फ़ीस देनी होती है। हम लोग प्राइवेट स्कूल के बारे में क्यों सोच रहे हैं, इसका मल्टीपल रीज़न है। हमें एक दोस्त मिला था जिम में, तो वो बोला कि अच्छे स्कूल डिस्ट्रिक्ट में अगर आप घर लेते हो तो आपको लाइक 800,000-1,000,000 का घर पड़ता है। वाल्थम जगह पे घर, जिस जगह पे घर लेते हो तो कम में पड़ता है, लाइक 600 में भी अच्छा घर मिल सकता है। तो अब बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेज दो, यहाँ पे बड़ा सा अच्छा घर लेके रहो, ये भी एक आइडिया अच्छा है। तो हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं, श्योर नहीं है कि इसमें हम लोग भेजेंगे, हम लोग ऑप्शन एक्सप्लोर कर रहे हैं। फीस कितना है वो लोग बोले हैं कि इस आप इसमें बुकलेट में दिए हुए हैं, जाके आप देखिए, और दोबारा देखना है तो आके दोबारा यहाँ पे बात कर सकते हैं। ये बताइए कि आप लोग को स्कूल कैसा लगा? Good. कितना गुड लगा? 100. जो जो अपना आपका cupcake, अच्छा कप केक, इसको कप केक खाने में मजा आया स्कूल से, मतलब स्कूल कैसा लगा? नो नो नो, क्या बात कर रहा है, तुम्हें अच्छा लगा समीर? गाइस लेट्स डू मजाक। एंड एज ए इमिग्रेंट हम लोगों को सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ देखनी होती है कि डाइवर्सिटी कितनी है। सो वहाँ पे मैं सिंगल इंडियन था जो आया था, बहुत सारे लोग आए थे देखने के लिए, पूरा पार्किंग लॉट फुल था। सो सिंगल इंडियन मैं था, तीन ब्लैक कपल देखे, एंड आई थिंक दो ही तीन चार मैंने, हमको लगता है कि चाइनीज देखे होंगे 4-5। सो कहेंगे कि 6-7 पर लोग जो डिफरेंट देखे, अदरवाइज एवरीथिंग वाज लाइक वाइट पीपल। सो एज ए इमिग्रेंट हम लोग को प्लेस चूज करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है जहाँ पे डाइवर्सिटी मेंटेन है। सो ये था प्राइवेट स्कूल का टूर, और किसी का कुछ कमेंट है, सजेशन है, सुझाव है तो दीजिए, जो लोकल लोग हैं कुछ अपना व्यू दीजिए, सजेस्ट कीजिए हम लोग को, तो जाके एक देखा है फ्री में वो था। स्टिल वी आर नॉट एबल टू डिसाइड कि क्या करना है फ्यूचर में, बट वी हैव टाइम। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।